दोस्तों एक बार फिर से बिग बॉस के घर के अंदर फुकरा इंसान अपने ही गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए। देखिए दरअसल हुआ यूं कि अल्पेश यादव बड़े ही प्यार से फुकरा इंसान के कहने पर अविनाश सचदेव, फलक नाज और जिया शंकर से बात करने के लिए गए थे कि चलिए आप घर का काम कर लीजिए क्योंकि बर्तनों की ड्यूटी अब से आपकी है, क्योंकि मैं घर का डिक्टेटर बना हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको कोई भी काम करवा सकता हूं। और ये बात अल्पेश यादव इन तीनों से लगातार 3 घंटे से कह रहे थे, लेकिन ये तीनों ही लगातार अल्पेश यादव को इग्नोर करते रहे और ऐसा लग रहा था कि ये अल्पेश यादव की बातें मानने ही नहीं वाले हैं। तो अल्पेश यादव ने फुकरा इंसान से कहा कि देख भाई, मैंने प्यार से 3 घंटे तक इनको समझाया है, अब ये काम नहीं कर रहे हैं तो मेरा पारा हाई हो रहा है और फिर मेरा लेवल अप हो गया तो मेरे मुंह से फिर देख गालियां ही निकलेंगी क्योंकि मैं इनको प्रसाद तो देने वाला नहीं। और अल्पेश यादव की बातें सुनने के बाद फुकरा इंसान भी अल्पेश यादव को कहते हैं कि भाई अब तो मुझे भी इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और ऐसा कहते हुए फुकरा इंसान अल्पेश यादव को गले लगाते हैं और कहते हैं कि यार तू मेरा भाई है, तू टेंशन ना ले, इनकी फाड़ के रख देंगे। बाकी दोस्तों लोगों को फुकरा इंसान और अल्पेश यादव की जोड़ी काफी ज्यादा पसंद आ रही है और अब तो फुकरा इंसान ने भी ठान लिया है कि वो अल्पेश यादव को बिग बॉस का कैप्टन बनाकर ही छोड़ेंगे। अब देखना होगा कि फुकरा इंसान अपनी इस कोशिश में कामयाब होते हैं या नहीं। बाकी दोस्तों आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या अल्पेश यादव घर के नए कप्तान बनेंगे या नहीं। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।